अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो सब लोग? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और यही उम्मीद करूँगी कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। और आज एक बहुत ही मज़ेदार सा यमी फॉर योर टमी के लिए बन रहा है ब्रेकफास्ट। देखो बहुत मुश्किल ब्रेकफास्ट है, इस वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो स्किप नहीं करना। अगर वीडियो स्किप कर दी ना तो रेसिपी होगी ख़राब हो जाएगी और फिर तुम लोग कहोगे कि यार आप लोगों ने सही नहीं सिखाते आप लोग। तो यहाँ पे हम बना रहे हैं न्यूटेला फ्रेंच टोस्ट, जो कि बड़े ही ट्रिकी है भाई, बहुत ध्यान से देखनी है रेसिपी। यहाँ पे मैंने न्यूटेला ले ली है और आपकी अपनी मर्जी है कि न्यूटेला आप कितनी लगाना चाहते हैं। अगर आपके पास न्यूटेला नहीं है तो आप कोई भी चॉकलेट स्प्रेड अपनी फेवरेट ले सकते हैं, लोकल भी ले सकते हैं आप लोग न्यूटेला ना हो तो, लेकिन मज़ा तो फिर न्यूटेला में ही आएगा बनाने में। आपने दोनों स्लाइसेस पे लगा लिया था और उसके बाद इसको आपकी अपनी मर्जी है। मैं यहाँ पे इसको छोटे छोटे ट्रायंगल कट कर रही हूँ, बच्चों को शेप्स बड़े अट्रैक्ट करते हैं ये, तो मैं क्योंकि ये बच्चों के लिए बना रही थी तो मैंने इसको ट्रायंगल में किया। अपने बेटे के लिए उसको बहुत पसंद है ट्रायंगल शेप। और उसके बाद मैंने लिया है एक अंडा और अंडे के अंदर मैं सिर्फ एक टेबल स्पून चीनी ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आपको पता है चॉकलेट खुद अपने अंदर एक बहुत रिच टेस्ट लिया हुआ होता है, तो बिल्कुल फीका ना लगे बच्चों को, इसलिए मैंने एक चम्मच चीनी और 5 से 6 टेबल स्पून के करीब दूध अंडे में ऐड कर दिया है। अगर कोई बड़ा करे ना तो वो चीनी स्किप कर दे और ऊपर से थोड़ा सा हनी डाल लेना फ्रेंच टोस्ट पे, तो बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक चम्मच चीनी ऐड कर दी थी और 2 टेबलस्पून बटर लेकर मैंने फ्राई पैन में उसको पिघला लिया। और फिर मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इस बोल में अपने टोस्ट, और टोस्ट को 5 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी दूध के अंदर, ताकि ये कि ये अच्छे से एब्जॉर्व कर लें अपने अंदर, पूरा टेस्ट जो है इन्हेंस हो जाए इसके अंदर ना। आप चाहें तो इसको 10 मिनट के लिए भी छोड़ सकते हैं, जब तक ये पूरा बैटर अपने अंदर सोक ना कर लें, लेकिन फिर वो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है, बहुत रिच हो जाता है और बच्चे फिर उसे पूरा फ्रेश नहीं करते। बस इसको चारों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेना है, हमने हर साइड को इसकी इक्वली हमें गोल्डन ब्राउन करना है, ताकि जो अंडे का थोड़ा कच्चापन होता है या अंडे की स्मेल होती है तो वो ना आए। प्लीज मी गाइस, बहुत मज़े के बनते हैं, मेरे बच्चों के तो बहुत फेवरेट हैं, उम्मीद करूँगी आप लोगों के बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे। इस तरह के फ्रेंच टोस्ट एक तो हेल्दी भी है और बच्चे शौक से भी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, स्कूल के लंच में भी आप उन्हें दे सकते हैं। और मैं तो जब बनाती हूँ, मेरे बच्चों की पार्टी होती है चॉकलेट फ्रेंच टोस्ट की, तो यही उम्मीद करूँगी कि आपके आपके बच्चों को, आपकी फैमिली को, आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। बस इसको इक्वली गोल्डन ब्राउन करके इसको डिश आउट करेंगे और इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।